कांग्रेस कितनी गंभीर है ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार, का कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर लगता है जैसे ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। यूपी के राज्य मंत्री केपी मालिक ने अखिलेश यादव पर हमला किया, कहा विपक्ष का काम है सवाल उठाना, पीएम और सीएम योगी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करते हैं। सबका साथ सबके विश्वास की जब सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं तो वो मतदाता भी इसी सिद्धांत पर हमें मतदान करने को जा रहा है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर साधा निशाना, हिमाचल में कंगना नहीं जीतेंगी चुनाव, उनको हिमाचल का एबीसीडी भी नहीं पता। चुनाव तो वो जीतने वाली है नहीं और उनको हिमाचलियत का ए बी और सी नहीं आता है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है और हिमाचल की जनता को भी पता है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का विपक्ष पर हमला, कहा यूपी में जीरो पर आउट हो जाएगी सपा बसपा और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी। 370 प्लस बीजेपी, एनडीए 400 के पार, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हवाओं में फिजाओं में कहीं भी चले जाएं, किसी कांग्रेसी और सपाई को भी पूछ लें मंदिर मस्जिद में ले जाके कि कौन आएगा, तो वो कहेगा आएंगे तो मोदी। उत्तराखंड के इच्छा में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने किया चुनाव प्रचार, शहनवाज ने प्रचार के दौरान गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, हुसैन ने कहा मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं शुक्रिया मोदी भाईजान, इसलिए मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट बीजेपी में ही जा रहा है। राजस्थान के जालौर से बीएसपी उम्मीदवार लाल सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया, बीएसपी के प्रदेश महासचिव बोले लाल सिंह फिर किसी के हाथों बिक गए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को समर्थन दे सकते हैं लाल सिंह। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर पलटवार, कहा कांग्रेस में मची है भगदड़, राहुल गांधी को हिंदी सही से नहीं आती, इनको गिनती नहीं समझ आती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में शामिल होने का आंकड़ा पहुंचेगा 4 लाख के पार, रिकॉर्ड संख्या में बीजेपी से जुड़ रहे हैं लोग। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती से लोकसभा उम्मीदवार को दिया समर्थन, पोस्ट कर कहा पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी जीत के लिए काम करने की सलाह देता हूं। पंजाब के फरीदकोट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हंस राज हंस का किसानों ने विरोध किया, किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आगरा में रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल, एसपी सिंह बघेल ने कहा यह विकसित भारत की झलक है जहां सभी धर्म और सभी वर्ग एक साथ मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों का नॉनस्टॉप दौरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आगामी चुनावी प्रचार के लिए गृहमंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में हैं। गृहमंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर में भरेंगे हुंकार, असम के लखीमपुर में दोपहर में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह, तिनसुकिया में रोड शो से जनता को साधेंगे गृहमंत्री। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में दिखे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान नितिन गडकरी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा राष्ट्रवाद हमारे विचारों का महत्वपूर्ण अंग है और इसलिए राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रिपब्लिक भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, का साल 2014 से पहले की सरकार आतंकवाद को करती थी बर्दाश्त, लेकिन अब मोदी सरकार हर आतंकी हमले और आतंकी गतिविधियों का करती है हिसाब। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया प्लान, रामनवमी से पहले बीजेपी जारी कर सकती अपना घोषणा पत्र, पार्टी अपने घोषणा पत्र में जीवाईएन पर कर रही है फोकस, जीवाईएन यानी गरीब युवा अन्नदाता और नारी का घोषणा पत्र रखा गया है ध्यान में। और वहीं आप सांसद संजय सिंह का चंडीगढ़ दौरा, आज कोर्ट से मिली राहत के बाद पहली बार संजय सिंह का चंडीगढ़ दौरा, चंडीगढ़ में आप नेताओं और विधायकों से करेंगे मुलाकात, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे चर्चा। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर विपक्ष में जारी है सियासी संग्राम, कांग्रेस के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने नहीं लिया नामांकन वापस, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव को मिला चुनाव चिन्ह, निर्वाचन आयोग की तरफ से कैची सिंबल दिया गया।
चुनाव को लेकर एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश पुलिस, कानपुर में भी पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन ने कार से बरामद किए 50 लाख रुपए कैश के साथ पुलिस टीम ने कार चालक को भी हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को रिमांड पर भेजा। ईओडब्ल्यू को 12 अप्रैल तक की रिमांड पर भेजा। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच देगी फैसला। जिला प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या का मामला, शूटर अमरजीत सिंह एनकाउंटर में ढेर। हरिद्वार में एसटीएफ के साथ हुई थी मुठभेड़। महाराष्ट्र के भिवंडी में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की लकड़ी जलकर के हुई खाक। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में कर रही है कोशिश। यूपी के रायबरेली में गेहूं की फसल में भीषण आग लगी, आग लगने से लगभग 10 बीघा फसल जलकर राख। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है मुजफ्फर उत्तर प्रदेश में, जहां पर भीषण आग की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। और इधर ट्रेन से कटकर एक बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आई है, जहां देर शाम टहलने के दौरान यह हादसा हुआ। बहराइच में तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिखा तेज रफ्तार का कहर, हादसे में युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में युवक की हत्या को लेकर के छिड़ा बवाल, हत्या को लेकर के आक्रोशित भीड़ ने हाईवे को जाम किया। यूपी के झांसी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर लोगों से की जा रही है धोखाधड़ी। आगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, साइबर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में फिर से सामने आई दो गुटों में झड़प की खबरें, राज्य के मुर्शिदाबाद में दो गुटों के बीच झड़प हुई। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग की घटना, शोपिया में आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी को बनाया अपना निशाना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बेखौफ गुंडों के वायरल वीडियो से हड़कंप मचा, वीडियो में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, युवक को शराब पिलाने के बहाने बुलाकर कमरे में बंधक बनाकर पीटा। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया के दिखे हौसले बुलंद, अवैध रेत भर करके ले जा रहे ट्रैक्टर पर गाने बजा करके डांस किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि की बधाई दी, कहा देशवासियों की समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली के झंडे वाला अन मंदिर में दिखी नवरात्रि की धूम, नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह आरती के लिए लगी भक्तों की भारी भीड़। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ ने पुराने राम मंदिर का पुनरुद्धार किया और इस साल पहले नक्सली आतंकी के कारण बंद कर दिया गया था मंदिर। हरियाणा के पंचकुला में माता के मंदिर में लगा भक्तों का सैलाब, नवरात्र के पहले दिन माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के वाराणसी में नवरात्र के दिन दुर्गा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या में देखी धूम, रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया गुड़ी पड़वा का उत्सव, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उत्सव में शामिल रहे।